हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक कैंपेन की। इस कैंपेन का नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, यानी हर जो एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स माइग्रेट, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, वो हमेशा चॉइस से यानी अपनी मर्जी से मूव नहीं करते। ये कैंपेन जो है वो चलाई गई है। देखिए, अब इससे हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। पहले हम सोचेंगे कि शायद यहाँ पे हम इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई बात करने वाले हैं कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को हानि पहुँच रही है इसलिए एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कैंपेन इससे रिलेटेड नहीं है बल्कि इलीगल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, यानी जो जानवरों की तस्करी की जाती है उससे रिलेटेड है, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे उनको मार के उनको बेचने के लिए इलीगल, जो ये उनकी स्किन की, उनके हॉर्न्स के लिए या वेरियस चीज़ों के लिए जो उनकी तस्करी की जाती है, ये कैंपेन उसको रोकने के लिए है। आज इसी कैंपेन के बारे में जानेंगे, किसने शुरू किया है, क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं पे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब देखिए, एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। मेंस पेपर 3 में आपका ये पोर्शन जो है वो कवर होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये कैंपेन प्रीलिम्स, देखिए अब आप 2020 प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, यहां से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंपेन के बारे में पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव लेवल पे, ये जो इलीगल पूरी ट्रेड है हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं। यूएन एनवायरनमेंट, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यूएन एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने लॉन्च की है ये अवेयरनेस कैंपेन कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो उसका इलीगल ट्रेड है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, स्पेशली जो एयरपोर्ट्स के थ्रू होता है, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये अवेयरनेस लोगों को देने के लिए। अब देखिए, इस कैंपेन के बारे में जानते हैं। इस कैंपेन को लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने और यूएन एनवायरनमेंट ने। ये जो कैंपेन है ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बेसिकली ऑलरेडी एक वर्ल्ड वाइल्ड एक्शन जो है वो चल रहा है यूएन एनवायरनमेंट के द्वारा, एक ग्लोबल कैंपेन चल रही है जिसका नाम है वाइल्ड फॉर लाइफ, राइट, उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और जैसे मैंने बताया, एयरपोर्ट्स को यहाँ पे मेन देखा जाएगा, इन कोलैबोरेशन विद एयरपोर्ट्स, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी, और उसके बाद जो आपका जीएमआर ग्रुप है। ये कैंपेन अराउंड 22 एयरपोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं पूरे इंडिया में अगले साल तक, जहाँ पर ये कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा। अब बात है कि कौन से एनिमल्स इसमें इंक्लूड किए गए। देखिए, ये जो कैंपेन है फेसेस में होगा, फिलहाल आपका फेस 1 चल रहा है। फेस 1 में कौन कौन एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपका टाइगर आता है, आपका पैंगोलिन आता है। टाइगर पे भी मैंने वीडियो मैन एनिमल कंफ्लिक्ट करके बनाई है, पैंगोलिन पे भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि ये मैमल है बेसिकली, और ये मैमल अब एक एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इसको मारा जाता है इसके स्केल्स के लिए। वो वीडियो आप देख सकते हैं पैंगोलिन पे, पैंगोलिन स्टडी आईक्यू करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टार टॉर्टाइज है और टोक्यो गेको है, इन एनिमल्स के लिए इनको इंक्लूड किया गया है इस कैंपेन में, और ये सभी एनिमल्स क्या हैं, एंडेंजर्ड हैं, और इनका एंडेंजर होने का रीज़न भी यही है जो इनकी इलीगल ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और जो इसके बाद फेज 2 इस कैंपेन का आएगा, उसमें और भी ज़्यादा जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा कि उनको किस तरह रोका जाए, जो रूट्स ऑफ ट्रैफिकिंग हैं उनके देखे जाएंगे। तो फिलहाल ये आपको ये चार एनिमल्स भी याद रखने हैं, यूएन एनवायरनमेंट के बारे में याद रखना है जिन्होंने ये लॉन्च किया है, डब्ल्यूसीसीबी के बारे में याद रखना है, और ये चार एनिमल्स के बारे में स्पेशली याद रखना है। अब देखिए, टाइगर उसको किस लिए ट्रेड किया जाता है, व्हाई दीज एनिमल्स, यानी इन्हीं एनिमल्स को हमने क्यों यहाँ पे चुना है, बिकॉज टाइगर का ट्रेड किस लिए होता है, उसकी स्किन के लिए होता है, बोन्स के लिए होता है, बॉडी पार्ट्स जो हैं बाकी उनके लिए होता है। पैंगोलिन के बारे में मैंने बताया, मोस्टली इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड मैमल है जिसको ट्रेड किया जाता है। देखिए, देखने में ये रेप्टाइल जैसा लगता है, इतने स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी में, एकदम बॉल जैसा बन जाता है, लेकिन ये मैमल है, और ये मोस्ट
ट्रैफिक्ड मैमल है इस पूरे प्लैनेट पे, और इसके मीट के लिए इसको ट्रेड किया जाता है, और बहुत सारे जो ये आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, चाइना है, ये लोग ट्रेडिशनल मेडिसिंस में इसके स्केल्स को यूज़ करते हैं, और इसका जो मीट है माना जाता है बहुत टेस्टी, इसलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं, और इलीगल ट्रेडिंग इसकी होती है। और उसके बाद जो स्टार टॉर्टाइज है उसको भी उसके मीट के लिए उसकी तस्करी की जाती है, या फिर उसको पेट ट्रेड, यानी काफ़ी लोगों को शौक होता है टॉर्टाइज को पेट की तरह रखने के लिए। और टोके गेको जो है ये भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली चाइनीज मार्केट्स में उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसलिए इन एनिमल्स का जो इंटरनेशनल इलीगल ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए ये जो मूव है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये कैंपेन जो है ये क्यों लिया गया है, बिकॉज आपने बहुत सारे रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स देखे होंगे जहाँ पे इलीगल ट्रेडेड स्पीशीज़ जो हैं एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, कि लोग पकड़े गए वो इस तरह से जानवरों को मार के ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, अपने साथ ले जा रहे थे, तो इस पर शिकंजा कसने के लिए ये कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। अब देखिए मेजर जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो बेसिकली एयरपोर्ट्स के थ्रू यूजुअली स्मगल होती हुई पकड़ी जाती हैं, उनमें आपके टॉर्टाइज़ आते हैं, लाइव बर्ड्स आते हैं, शतूश के शॉल्स आते हैं, टाइगर आता है, लेपर्ड के बॉडी पार्ट्स आते हैं, आइवरी आती है, राइनो हॉर्न्स आते हैं, पैंगोलिन आता है, पैंगोलिन के स्केल्स आते हैं, सी शेल, सी हॉर्स, सी क्यूकम्बर, रेड सैंडस, आप देख सकते हैं कितने सारे एनिमल्स हैं, सबके नाम यहाँ पे लिखे हैं, जिनको या तो मेडिसिनल प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, या तो उनके मीट के लिए किया जाता है, या जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान इन एरियाज़ में मैंने आपको बताया था ट्रॉफीज़ के लिए, कि किसी का शिकार करके उसको ट्रॉफीज़ के रूप में अपने घर पे रखा जाता है, तो इन सब के लिए इनकी इलीगल ट्रेडिंग जो है वो होती है, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट, यूएन जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा इस वाइल्ड लाइफ ट्रेड का। देखिए जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, सबसे पहले स्पीशीज फेस एक्सटिंक्शन, जितनी ये अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं ये सब नॉर्मल एक एक्सटिंक्शन लेवल पे, अभी तो एंडेंजर्ड हैं लेकिन आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन लेवल पे पहुंच जाती हैं। इकोसिस्टम भी पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे मैं हर लेक्चर में ऑलमोस्ट आपको फूड चेन के बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे कोई नुकसान हो रहा है, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल इस पे डिपेंड करता है, ये वाला इस पे डिपेंड करता है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूरा आपका इकोसिस्टम ही बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में अंडरमाइंस द इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ये एक इलीगल ट्रेड है, इससे आपकी इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए एक सोशल इनसिक्योरिटी जो है वो उससे पैदा हो जाती है। और उसके बाद वाइल्ड प्लांट्स जो हैं जो जेनेटिक वेरिएशन क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड करते हैं वो भी थ्रेटेंड हैं इलीगल ट्रेड से, इस तरह के सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं वाइल्ड प्लांट्स को भी इलीगली जो है उनकी ट्रेड होती है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ में आपके एनिमल्स प्लांट्स दोनों ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए WCCB और UN एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम UN एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये और WCCB UN एनवायरनमेंट दोनों इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि आपके लिए ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट करती है, प्रमोट करती है कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट के लिए हमने पॉलिसीज सोची हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोचा है उसको किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली ये सर्व करता है एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, ये UN एनवायरनमेंट के बारे में है। अब आगे आपका WCCB, WCCB क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंदर। और इसका मेन काम क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है हमारे देश में उसके खिलाफ हमें कैसे लड़ना है, जो आपका सेक्शन 38 है जी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंदर ये मैंडेटेड है कि हमको कलेक्ट करना है जितना भी इंटेलिजेंस हमको मिलता है वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ को लेके। तो ये सब इसके एम्स हैं कि इसका काम क्या है, ये जो पूरा WCCB है क्या एम करता है। पहली बात, ये स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं जितनी भी आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि क्या एक्शंस लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम में
हकदार होंगे, जिम्मेवार होंगे। एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी यहाँ पे बनाने की बात इनके अंदर की जाती है। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस रहेंगे डिफरेंट एजेंसीज जो हैं कि किस तरीके से जो 1972 का एक्ट है उसमें क्या क्या कहा गया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जितनी फॉरेन अथॉरिटीज़ हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल को लेके कोऑर्डिनेट करती हैं या कंसर्न्ड हैं, उनको असिस्ट करना है। WCCB ने कैपेसिटी बिल्डिंग करवानी है वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्फोर्समेंट एजेंसीज की फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको कैसे उसकी जाँच करनी है, क्या सज़ा देनी है, किस तरह से केस को आगे बढ़ाना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे कि कितने इश्यूज हमारे देश में वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को लेके हैं, चाहे उनका नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है या नहीं, और किस तरह की पॉलिसीज़ और लॉज की हमारे देश में ज़रूरत है। और उसके बाद ये असिस्ट करेंगे और एडवाइस करेंगे आपके कस्टम अथॉरिटीज़ को भी, जो इंस्पेक्शन करते हैं कि जितना कंसाइनमेंट्स जाते हैं फ्लोरा फाउना का, यानी जितने भी आपके एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, पूरी वाइल्ड लाइफ के बारे में कि किस तरीके से चेकिंग करनी है, कौन से प्लांट्स जो हैं उनका इलीगल ट्रेड हमको रोकना है, कैसे पहचानना है, ये पूरा असिस्ट इसको करते हैं। और ये असिस्ट किस बेस पे करते हैं, जितना आपका इंटरनेशनल लॉज हैं या आपके देश के लॉज हैं, साइट्स हो गया, साइट्स का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, या आपकी एग्जिम पॉलिसी हो गई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हो गई, उसके बेसिस पे ये इसको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो आप मुझे इस कैंपेन से रिलेटेड, अब आपने हमने लेक्चर ख़त्म कर दिया तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से एनिमल्स जो हैं इस कैंपेन में टारगेट किए जा रहे हैं, किन एजेंसीज द्वारा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जा रहा है, और ये कौन सा फेस चल रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ईमेल, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू।